नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आपका हमारे इस ऑल इन वन सीरीज प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग विभिन्न आयोगों द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल करते हैं। उनके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से रिपीटेड प्रश्नों को हटा करके अन्य जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। और आज का जो वीडियो है ये हिंदी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग आर ओ आर ओ परीक्षा में हिंदी का जो टॉपिक है उसमें सिलेबस में जितने भी यानी 6 टॉपिक जो प्री परीक्षा में हैं उन सभी को हम लोग डेली बेसिस पर देखते हुए चलते हैं। उनके कुछ कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जिसे आप एक तरह से टेस्ट सीरीज का रूप समझ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। अब देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो इसमें आपको शब्द युग्म पूछा गया, मतलब आपसे वो 4 प्रश्नों को एक ही में पूछ ले रहा है। अगर वो पूछता कि उत्कर्ष का विलोम क्या है तो आप वो डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते थे, परंतु यहाँ पर जब वो प्रश्न पूछा है तो ये समझ लीजिए विलोम वाले प्रश्नों में ये एक टफ प्रकार का प्रश्न है, जिसमें वो इस तरह के पूछ रहा है क्योंकि वो आपसे चारों के बारे में जानना चाह रहा है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो है आग्रह विग्रह। ठीक है, तो आग्रह विग्रह का आपको पता है कि अनुग्रह जो होता है, अनुग्रह विग्रह तो होता है मगर ये आग्रह का नहीं होगा। आग्रह का विलोम आपका दुराग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो आग्रह का दुराग्रह हो सकता है, अनुग्रह का विग्रह ये होता है। ठीक है, इधर ये अपकर्ष और उपकर्ष है, तो देखिए उपकर्ष ना होकर के यहां पर ये दरअसल अपकर्ष जो है आपका अपकर्ष जो है वो उसका उत्कर्ष होता है, तो ये उत्कर्ष में ये आपका आधा त है ना कि प है। ठीक है, तो इससे देखिए रिप्लेस करके दिया गया। अब ये चीजें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं फंसाने के लिए होती हैं कि आप इसको जल्दीबाजी में देखें और देखते ही उसको टिक कर दिया, आगे नीचे देखे ही नहीं क्योंकि उनको रटा हुआ रहता है, अच्छा उत्कर्ष अपकर्ष ठीक है लगा दो चलो आगे, तो वो आपको नहीं करना है। आपको अगर प्रश्न का उत्तर आता भी है तब भी मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप चारों को पहले देख लीजिए, चारों में देख लीजिए और फिर उससे रॉन्ग वन को इलिमिनेट कीजिए, यानी जो गलत है उसको हटाते जाइए, क्योंकि आपका ये जो 1 घंटे का पेपर होता है 60 मार्क्स का 60 प्रश्न रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगता है। आप 15 मिनट के लगभग जो है आपका 10 से 15 मिनट बचा रह जाता है, तो उस प्रश्न को बचा कर और हीरोगिरी झाड़ने के बजाय अच्छा होगा कि आप पूरा अपना समय लें और उसको आराम से हल करें ताकि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, क्योंकि अगर एक प्रश्न गलत होता है तो वो साथ में नेगेटिव मार्किंग भी ले जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं आग्रह का आपका ये वाला नहीं सही होगा, अपकर्ष उपकर्ष ये भी गलत है, तो यहाँ पे आपके ये दोनों गलत हो गए ए बी। और इधर अगर चौथा देखेंगे उत्सर्जन विसर्जन, तो ये भी दरअसल गलत है, जो उत्सर्जन जो है यहाँ पर नहीं होता है बल्कि ये विसर्जन जो है, विसर्जन का आपका आवाहन कह सकते हैं, आवाहन का उल्टा विसर्जन हो जाता है वो ठीक रहेगा, परंतु उत्सर्जन और विसर्जन नहीं होगा। उत्सर्जन और विसर्जन दरअसल कमोवेश एक ही प्रकार के शब्द हैं जिनके मायने लगभग एक ही हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो तीसरा एक शब्द आ रहा है यहाँ पर जारज और औरस, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका एकदम सही आंसर है जारज और औरस। ठीक है, तो इसको ये कई कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो मतलब अपना ही पुत्र हो उसको जो है कहते हैं औरस, और जो अवैध संतान हो उसको बोलते हैं जारज। तो आप ये मान के चलिए कि जारज और औरस थोड़ा सा चूंकि कठिन सा है, याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए कई कई बार ये पूछा जा चुका है और डायरेक्ट प्रश्नों में भी आता है, परंतु यहाँ पर इसको टफ बनाने के लिए इसको शब्द युग्म की भांति एक प्रश्न क्रिएट कर दिया गया है। उसके अगला देखिए, अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो यह है कि स्पष्ट का विलोम है, तो देखिए स्पष्ट का विलोम कुछ ज्यादा ही स्पष्ट इसमें नजर आ रहा है, इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये पूछा जा चुका है आपके पेपर में। तो देखिए साधारण इसमें गलत है, साधारण नहीं होगा और इसका स्पष्ट का अस्पष्ट हो जाएगा, ये एकदम सही विलोम है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्वच्छ गलत है उचित गलत है, तो ये सारे ही इसमें आसान सा प्रश्न है। अगला देखेंगे तो तृष्णा, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, विपरीतार्थक मतलब जिसका विपरीत अर्थ हो। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो चलिए तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, इसमें देखेंगे तो आपका वितृष्णा है, निष्प्रिय है, संतुष्टि है, वितृष्ट है। वितृष्ट तो देखिए वितृष्णा से कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है,
ये इसका कोई मतलब नहीं है, संतुष्टि भी कहीं से नहीं, तृष्णा मतलब आपको पता ही है प्यास, वित्रृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका ए हो जाएगा। चलिए, बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं था, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि कई सारे जो शब्द होते हैं उसमें अ या वी ऐसे लगा कर के उसका विलोम शब्द बनता है, तो उसी प्रकार का एक शब्द आपका तृष्णा और वित्रृष्णा था। आगे अगर बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो अब देखिए, ये प्रश्न जो है आपका आता है इसमें कई कई बार ये वाला इस पैटर्न का भी प्रश्न पूछा गया है कि फूलों की एक माला या हलवाई की एक दुकान, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, पहला देखते हैं, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। फिर है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। तो अब देखिए यहाँ पर तीसरा भी अगर देख लेते हैं, मेरे घर के पास एक हलवाइयों, ये तो आप हटा ही दीजिए, तो एकदम ही गलत हो गया। चौथा हो गया कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो अब आप देखिए कि इसमें जो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, आप देखिए तीनों में, इन तीनों में ही क्या आ रहा है कि एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई, इनके घर के पास केवल एक ही हलवाई की दुकान है या फिर हलवाई की एक दुकान है। तो ये दरअसल यहाँ पर एक जो वर्ड है ये इसका सिक्वेंसिंग रॉन्ग है, मतलब वाक्य की जो संरचना है वहां पर इसमें त्रुटि पाई जा रही है। ये यहाँ पर हलवाई की एक दुकान होगी, इसी प्रकार से यहाँ पे हलवाई की एक दुकान, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम सही है। और बाकी इसमें तो बहुवचन का प्रयोग है तो ये वैसे भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा डी वाला, ठीक है। तीसरे का आपका डी हो गया, अगले आगे बढ़ते हैं, सॉरी चौथे का आपका डी आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो देखिए, शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, कई कई बार अगेन आपका ये भी पूछा गया है। पहला है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अगला देखिए भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, फिर देखिए श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है, उसके अगला है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो देखिए कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर अनेकों जो शब्द है, अनेक वास्तव में अपने आप में एक बहुवचन का शब्द है, अनेक मतलब एक से ज्यादा, तो अनेक जो है खुद में ही एक बहुवचन का जब शब्द है तो इसमें ओ की मात्रा यानी इसको बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर यहाँ पर ये अनेकों है, इधर अनेकों हैं, इधर अनेकों हैं, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो यानी कि ये आपका तीनों ही गलत हो जाएंगे, जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा आपका। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा देखिए, इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और जल्दी हमारा ऐप बनने जा रहा है तो उसमें भी आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीज भी शुरू होनी थी वो भी आपको कुछ ही दिनों में हम लोग उसकी घोषणा करेंगे, जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज का भी जानकारी हो जाएगी कि वो कब से शुरू हो रही है। दरअसल ऐप मिलने में हम लोग को थोड़ी देरी हुई, इस वजह से हम लोग को ओवरऑल देरी हुई है, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो हमारी ऑलरेडी तैयार है परंतु उसको ऐप के माध्यम से लाने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी। तो जल्दी आपको वो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से सबसे सही वर्तनी कौन सी है, तो देखिए सर्वोत्तम वर्तनी एक गरिष्ठ हो गया, ठीक है। गरिष्ठ बोलते हैं दरअसल जो हैवी थोड़ा होता है, कि जैसे आज मैंने गरिष्ठ भोजन किया, तो वो जो है उस शब्द को यहाँ पर देखना है, इसमें अलग अलग दे दिया, एक गरिष्ठ हो गया, एक गरिष्ठ हो गया, एक हो गया गरिष्ठ और एक गरिष्ठी। तो इन चारों में देखेंगे आपका तो ये दरअसल पहला वाला भी गलत है, ये बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी, इधर पे ठा नहीं होगा तो ये भी गलत है। ये आपका यहाँ पर ये वाला सही है बिल्कुल, सॉरी ये ठा तो इसमें रहेगा परंतु ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर भी है। और इधर देखिए ये वाला जो है ये गरिष्ठ, गरिष्ठ आपका एकदम सही वर्ड है और गरिष्ठी भी गलत वर्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आप ये प्रश्न देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके इन प्रश्नों का डिस्कशन हो जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जा रही हैं। अगर आप इसको अपने अपने हिसाब से अपने आधार पर ही इसको करने की कोशिश की करते तो आप इसको रटते कि अच्छा ये गरिष्ठ वर्ड है तो इसको रटना है किसी भी तरीके से, और निश्चित तौर पर आप उसमें कन्फ्यूज भी होते। परंतु चूंकि आपके यहाँ पर सामने ऑडियो विजुअल के माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, गरिष्ठ में कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा इसको हम लोग समझ ले रहे हैं, तो फिर वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल की इमेजिंग ज़्यादा होती है, इस वजह से वो उसके आपके दिमाग में रिटेंशन होने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाँ। तो किसी भी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, अब देखिए किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला ये विजित विजित नहीं होगा, विजित का मतलब जिसे जीता गया हो, तो ये तो नहीं होगा।
उसके बाद देखिए विजेता मतलब जो जीत गया हो, यह भी नहीं होगा। जिगीशु, एक यहाँ पे जिगीशु नया वर्ड आ रहा है, एक जिज्ञासु नया वर्ड है। जिज्ञासु का मतलब होता है कि जो जानने की इच्छा रखता हो, तो यानी कि ये भी यहाँ पे नहीं होगा। जिगीश जो वर्ड है ये यहाँ पे एकदम राइट आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है, तो एकदम किसी पर विजय प्राप्त की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला, इसको बोलते हैं हम लोग जिगीशु। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे है कि अपरिणीत शब्द, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसमें अपरिणीत, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है जिसका परिणाम ना निकलता हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका विवाह ना हुआ हो, तीसरा ऑप्शन है जिसका विवाह हो चुका हो, और चौथा ऑप्शन है जिस देखने में प्रीतिकर ना हो। देखिए वर्ड क्या है, तो वर्ड है आपका अपरिणीत, अपरिणीत वर्ड है। तो देखिए परिणय आपको पता है, परिणय का मतलब होता है विवाह, परिणय का मतलब होता है विवाह। तो परिणय का मतलब विवाह हो गया, तो परिणीत का मतलब अगर उसी में ईत ये जुड़ जाए तो परिणीत का मतलब क्या हो गया, तो परिणीत का मतलब हो गया कि जिसका विवाह हो चुका हो, तो ये तो हो जाएगा परिणीत। तो यानी कि ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा, जिसका विवाह ना हुआ हो, ये दरअसल इसका राइट आंसर बनता है। परिणाम ना निकलता हो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और उसके बाद जो ये है जो देखने में प्रीत करना हो ये भी रॉन्ग आंसर। तो यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो जिसका विवाह ना हुआ हो, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, एर्थ का बी। और पीडीएफ में आपको इसका राइट आंसर टिक्ड होके मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त है। अभी जैसा कि हमने जो आपका शब्द युग्म वाला, जो विलोम शब्द युग्म वाला प्रश्न था, उसमें भी ये वर्ड आया है कि अवैध संतान हो, तो अवैध संतान हो वो कौन सा हो जाता है। तो पहला हो गया कुलीन, कुलीन वर्ड देखे, कुलीन वर्ड का मतलब अलग होता है। कुलीन का मतलब कि जो उच्च कुल से संबंध हो वो कुलीन हो गया। जारज, जारज जो है यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था कि जो अवैध संतान होता है, तो जारज यहाँ पर अवैध संतान हो गया। अगले ऑप्शन देखते हैं कि दत्तक, तो दत्तक मतलब जो एडॉप्टेड हो, और अंत्यज मतलब जो अंतिम वर्ण में उत्पन्न हुआ हो। तो उसको जो है आप इनमें देखेंगे तो सर्वाधिक जो उपयुक्त है इसका आंसर, जो अवैध संतान हो उसका ये जारज है। ठीक है, ये मैंने आपको जैसा पहले ही बताया, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको तो एकदम रट लीजिए। जारज, जारज का मतलब अवैध संतान, और इसका जो विलोम होता है वो होता है औरस। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द मतलब जो तत्सम से व्युत्पन्न हुए हों, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो तद्भव शब्द में सबसे पहला है ज्योत्सना। ज्योत्सना देखिए आपका तत्सम है या तद्भव है, तो ये दरअसल आपका तत्सम शब्द है। इसको आप देखेंगे तो जो हम लोग तद्भव में बोलते हैं वो जोन बोलते हैं, सॉरी ये जोन बोलते हैं। तो ये आपका जो है ज्योत्सना को बोलते हैं जोन। श्रेष्ठि, श्रेष्ठि दरअसल सेठ को बोलते हैं। तो श्रेष्ठि भी आपको जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है कि ये तत्सम प्रकार का शब्द है। परीक्षा, परीक्षा भी जो है आपका तत्सम है। इसको जो आपका तद्भव होता है वो होता है परख। तो यानी परीक्षा थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये तद्भव शब्द हो सकता है, क्योंकि हम लोग की सामान्य बोलचाल की भाषा में भी ये प्रयुक्त होता है, परंतु वास्तव में यह भी एक तत्सम शब्द ही है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा घर, क्योंकि घर का जो तत्सम होता है वो होता है गृह। तो यानी कि गृह, गृह वर्ड से घर बना है। तो यानी जो तत्सम शब्द था, जो मूल शब्द था वो था गृह, और उससे जो है ये व्युत्पन्न होके घर शब्द बना है। उसको सरल करते करते ये घर शब्द बना है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो अब देखिए इनमें से तत्सम शब्द है, एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा प्रश्न आया है, इस पर आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जिन लोगों को भी, जो अगर साथ में सॉल्व करते करते चल रहे हैं, तो वो लोग इसको आप वीडियो पॉज करके उसको देख भी सकते हैं। वैसे तो मैं आंसर थोड़ी देर बाद ही में देता हूं, तो आप लोग अपने मन में इसको सोच सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो गोपाल है, घर है, सूत है, कपूत है। अब देखिए इसमें तत्सम शब्द, तो अभी घर का जैसे मैंने आपको बताया कि घर का तो आपका गृह हो गया तत्सम, तो यानी कि घर जो है वो तत्सम नहीं, तद्भव शब्द है। सूत जो है आपका, ये भी दरअसल गलत वर्ड है। ये सूत का आपका ये सूत्र से बना है, तो ये त्रा जो है वो बोलने में दिक्कत आती थी, लोगों ने उसे सरल कर करके ता बना दिया, तो ये आपका सूत्र जो है वो सूत हो गया।
इसी प्रकार से कपूत जो है वो कुपुत्र से बना है। कुपुत्र भी आपका देखिए तो ये यहाँ पे त्र वर्ड जो है ये तत्सम में था और इसको लोगों ने कपूत बना दिया, तो ये आपका तद्भव शब्द हो गया, तो यानी ये भी तत्सम नहीं है, तो आपका सी आंसर भी गलत हो गया। अब बचता है गोपाल शब्द। गोपाल आपको बोलने में ऐसा लगेगा कि गोपाल भी तो सरल सही शब्द है तो यह तत्सम नहीं होगा, लेकिन वास्तव में ये एक तत्सम शब्द है। गोपाल एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो ग्वाल होता है। ग्वाल जो है वो कम बोलचाल में प्रयोग होता है, तो इसलिए लगता है कि ग्वाल आपका तद्भव शब्द नहीं बल्कि तत्सम शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये खेल उल्टा है, इसीलिए प्रश्न आपके सामने आया। और जब ये आया था तब कई सारे लोगों ने इसे गलत भी किया था। गोपाल आपको याद रखना है अच्छे से कि गोपाल जो है वो तत्सम शब्द है, बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे, ये बहुत कन्फ्यूजिंग प्रश्न है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो देखिए तद्भव से तत्सम बने, तो यानी ये खुद ही बता रहा है कि इसमें तद्भव तत्सम का युग्म है, उसमें से आपको चेक करना है। अब देखिए सत्तु से सतुआ, अब ये जो है इसमें इनका कहने का मतलब है कि सत्तु तत्सम है और सतुआ जो है ये तद्भव है, तो ये दरअसल गलत है। ठीक है, आगे देखिए लौंग लवांग, घोड़ा घोटक और गेना गेंद। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपका घोड़ा घोटक, घोटक से घोड़ा बना है, ये आपका बिल्कुल सही शब्द युग्म है, यानी तद्भव और तत्सम का बिल्कुल सही शब्द युग्म जो वो रहता है वो घोड़ा और घोटक है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि घोड़ा का तत्सम जो है वो अश्व नहीं होता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार प्रश्न हमारे ख्याल से 2021 का जो आपका हुआ था आरओ की परीक्षा, उसमें ये प्रश्न आया था कि घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा, और वहां पर उन्होंने आपका अश्व भी दिया था, घोटक भी दिया था और शायद हाय या ऐसे कुछ दिया था, तो वहां पे कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने अश्व को लगाया या अन्य किसी पर्यायवाची को लगा दिया, जबकि ये सब पर्यायवाची मात्र हैं, जो तत्सम शब्द है वो दरअसल घोटक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि घोड़ा घोटक है। गेंद देखिए गेना का नहीं होता है, ये गेना गलत है, यहाँ पे गेंद होता है, कंदुक बोलते हैं उसे, कंदुक एतानी कंदुकानी, तो वैसे कंदुक जो है वो आपका गेंद का हो गया। लौंग का ये लवांग, इन्होंने ये लिखा गलत है, ये दरअसल लवंग है, मतलब इसका जो सही है ये यहाँ पे तो आंसर ऑप्शन इन्होंने सही दिया है, परंतु लौंग का जो असली तत्सम होता है वो होता है लवंग। इसी प्रकार से सत्तू का जो सतुआ नहीं होता है, सत्तू दरअसल सत्तू का जो होता है वो होता है सक्तु, तो ये छोटे ऊ की मात्रा सक्तु, इसको बोलते हैं आपका जो सही शब्द युग्म इसका। तो यहां पर देखिए आपका राइट आंसर सी निकल के आ रहा है, घोड़ा का घोटक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में है कि निम्न शब्दों में से विशेष्य है। विशेष्य की अगर बात करें, देखिए विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, अब पहला है श्वेत, श्वेत अगला जीर्ण, गरीब, किताब। अब देखिए आप इसमें से आप अगर एक कॉमन सेंस लगाइए, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि विशेषण विशेष जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली कॉमन सेंस का है, थोड़ा बहुत उसमें पढ़ने या समझने की चीज़ है, पर रटने वाली चीज़ बहुत कम है। इसीलिए जो हमारे डेली बेसिस पर हम लोग आरओ की पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसका जो वीडियो लेक्चर लेते हैं, उसमें हम लोग कहीं भी विशेषण विशेष को नहीं तैयार कराते हैं, क्योंकि उसमें केवल जो प्योर रटने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को हम लोग तैयार कराते हैं डेली बेसिस पर। यहाँ पर देखिए तो आपका विशेष से मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये श्वेत, अब श्वेत मतलब सफ़ेद, तो सफ़ेद जो है सफ़ेद की क्या कोई विशेषता बताए, सफ़ेद खुद दूसरों की विशेषता बताता है। यहाँ पर एक वर्ड है कि किताब, किताब एक ऐसा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा सकती है कि अच्छी किताब बुरी किताब, इसके आगे कोई भी आप विशेषण प्रयोग कीजिए, अच्छी किताब बुरी किताब फटी किताब कैसी भी किताब, तो वो आपका जो है ये विशेष हो जाएगा। परंतु बाकी देखें गरीब, तो अब गरीब आदमी, तो यानी गरीब जो है वो खुद विशेषता बताता है, तो ये आपका विशेषण हो गया, गरीब आदमी गरीब औरत इस तरह से। जीर्ण, जीर्ण इमारत यानी टूटी फूटी इमारत, तो जीर्ण इमारत है, जीर्ण भवन है, तो ये खुद एक विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र, तो यानी कि ये भी एक विशेषता बता रहा है, तो ये आपका विशेषण हो गया। इस पर मैं अलग से क्लास ले लूंगा जिससे आपको इन पर और एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, साथ ही जो विशेषण विशेष के जो कुछ एक भेद होते हैं उन पर भी आप एक कॉमन एक सामान्य समझ बना सकेंगे। अगला देखते हैं, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। चारित्रिक कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि जो चारित्रिक विशेषण है
वो किससे बना है। ज़्यादातर जो लोग इसको पढ़ते भी हैं, जो इसमें रटने की कोशिश करते हैं, वो इसी को करते हैं कि ये चरित्र से चारित्रिक बन गया, इसको वो रटते हैं, और कई कोचिंग वाले इसको रटाते भी हैं। मेरा ये मानना है कि इसमें रटने रटाने की ऐसी कुछ खास ज़रूरत है नहीं। कुछ एक वर्ड्स हैं जिनका जो है ऐसे विशेषण बहुत टफ रहता है, केवल उन्हीं को हम लोग लास्ट टाइम पे देखेंगे। परंतु फिलहाल इसमें आप सारे वर्ड्स का अगर ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तब तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा समय ज़ाया होगा, तो वो मेरे हिसाब से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से आपके लिए सही नहीं होगा। फिलहाल देखते हैं कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द, तो देखिए सामान्य सा इसमें समझ में आ रहा है, चरित्र से चारित्रिक बन गया, ठीक है। तो इसमें और बाकी ये चित्रण है, चित्रण तो नहीं होगा, चारुत्व ये भी नहीं होगा, चरित्रता भी नहीं होगा, चरित्रता ये क्या वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला अगर हम लोग आते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, प्रतिदिन कैसा क्रिया विशेषण है तो ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए जो आपका प्रतिदिन मतलब रोज रोज कब, तो रोज तो यानी कि एक तरह से ये काल की परिभाषा बता रहा है, काल के बारे में बात कर रहा है कि कब, तो रोज प्रतिदिन, तो ये काल को बता रहा है, तो ये कालवाचक हो जाएगा आपका। स्थानवाचक परिमाणवाचक, कोई मात्रा नहीं बता रहा है, कोई स्थान के बारे में नहीं बता रहा है, किसी पैटर्न को नहीं बता रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ से आपका देखिए कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कालवाचक, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। अब देखिए पर्यायवाची पे अगर हम लोग डेली बेसिस पर देखिए, आपके सारे छयों के छह टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुके हैं, ये लास्ट वाला टॉपिक है। देखिए घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो घोड़े का पर्यायवाची, उसमें अश्व घोटक बाजी है तुरंग रविसुत ऐसे करके तमाम होते हैं, तो उसी में से देखिए अब इसमें आपको बाजी है तुरंग है इसमें शार्दूल नहीं है। शार्दूल जो है आपका वो दरअसल सिंह का पर्यायवाची है, तो शार्दूल आपका वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्योम शब्द का पर्याय है। अब व्योम शब्द का पर्याय है उस पर देखें तो व्योम का मतलब आपका आकाश अंबर, तो व्योम शब्द का पर्याय आप देखिए आम्र, आम्र आपको पता है कौए, सॉरी आम्र जो है वो आम का पर्यायवाची है, कौआ ये नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा, यहाँ पे अंबर इज द राइट वर्ड, अंबर का मतलब आकाश। अब अगर अंबर या आकाश के और भी पर्यायवाची देख लें तो आकाश हो गया आपका, व्योम हो गया, नभ हो गया, और अंतरिक्ष हो गया, और अंतरिक्ष के अलावा दिव हो गया, दिव बोलते हैं, तो ऐसे करके आपके तमाम सारे पर्यायवाची इसके होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो चलिए हमारा अंतिम प्रश्न है इसको देख लेते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें शुद्ध है ऐसा बताया जा रहा है, कौन सा वर्ग है वो हमें पहचानना है। तो देखिए यानी कि इसमें से कोई ना कोई वो गलत प्लेस हुआ होगा, हर उसमें केवल एक ही में सारे सही होंगे। तो देखिए पहला देखते हैं, सिंह पंचानन नाहर मृगारी, आप देखिए पहले में ही हमें आंसर मिल गया। दरअसल सिंह पंचानन नाहर मृगारी ये चारों ही सिंह के पर्यायवाची ये सब हैं, तीनों ही पर्यायवाची हैं सिंह के, तो यानी यही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें आपको पता है कि सिंह के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें सिंह होता है, पंचानन होता है, ठीक है, सिंह पंचानन, और मृगारी या मृगेंद्र भी बोलते हैं, पंचानन या पंचमुख भी बोलते हैं, केसरी बोलते हैं, केहरी बोलते हैं, तो ऐसे करके तमाम सारे पर्यायवाची उसमें दिखते हैं हमें। उसके बाद देखिए ये सूर्य रवि दिनकर तरणी, तरणी का मतलब होता है नाव, तो यहाँ पे ये एक पर्यायवाची गलत है। आगे देखते हैं अग्नि पावक अनल, ये तीनों तो आग के पर्यायवाची हैं, परंतु पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, ये भी जो है ये गलत यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद देखिए महेश रमेश भूतेश सतीश, अब ये देखिए भूतेश महेश सतीश ये तीनों तो एक ही हो गए, इसमें रमेश यहाँ पर जो है वो गलत दिया है, रमेश का मतलब रमा के पति यानी विष्णु भगवान, तो ये उनसे रिलेटेड है, तो यानी कि यहाँ पर ये वाला भी वर्ड गलत है, इसमें पिशुन ने गलत करा दिया, इसमें तरणी ने गलत करा दिया, ये आपका राइट आंसर है। तो 18वें का ए वो जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ, उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। आज चूंकि पहला दिन है इसलिए मैं जानने में और भी इंटरेस्टेड हूँ। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।